फरीदाबाद स्थित संत ब्रिजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर MS वशिष्ठ को पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्लोबल लीडर समिट 2019 बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला। वहीं ग्लोबल ग्रूज की ओर से प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। और अगर बात करें तो GTF समिट न्यू दिल्ली की ओर से बेस्ट ऑफ एजुकेशनिस्ट का भी अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल डॉक्टर MS वशिष्ठ को एक साथ 3 अवार्ड मिलने पर स्कूल स्टाफ ने उनका जोरदार बुके से स्वागत किया है। आइए डॉक्टर MS वशिष्ठ जी से ही जानते हैं उन्हें यह अवार्ड किस कारणों से मिला है। आइए करते हैं बातचीत। सर, आपको पिछले दिनों दिल्ली में लगातार कई कार्यक्रमों में अवार्ड मिला है, क्या अवार्ड है थोड़ा बताएंगे? जी, ये मेरे लिए, फरीदाबाद के लिए और मेरे स्कूल संत ब्रिजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि एक रूरल एरिया में होने के बावजूद मुझे और हमारे स्कूल को, हमारी संस्था को इतनी रिकॉग्निशन मिलती है। मुझे 3 अवार्ड मिले लगातार 3 दिन। एक ग्लोबल समिट में मिला था बेस्ट स्कूल अवार्ड, एक प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था गुरु गौरव की तरफ से, और GTF जो ग्लोबल फाउंडेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है, उसकी तरफ से एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मेरे को 30 तारीख को वहाँ वोटर हॉलीडे में मिला है। जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे किन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था अगर बात करें तो? ये अलग अलग संस्थाएं होती हैं और इनका ये इनका जो तरीका होता है अवार्ड देने का, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगते हैं नॉमिनेशंस के लिए। जी, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, करीब 25 से 30 बिंदुओं पे ये एक्सपर्टाइज मांगते हैं। उसमें बेसिकली प्रिंसिपल का प्रोफाइल होता है, स्कूल का प्रोफाइल होता है, एकेडमिक्स होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर फिर वो पॉइंट्स वाइज उसमें मार्किंग होती है। एंड देन दे सिलेक्ट समटाइम्स 10 बेस्ट सिलेक्ट करते हैं। अभी जैसे प्रिंसिपल्स की बात की तो 50 प्रिंसिपल्स अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड उन्होंने उनको अवार्ड किया था। एंड जहाँ तक एजुकेशनिस्ट होता है ईयर का अवार्ड है, वो मेरे को अकेले को मिला है। जी प्रिंसिपल सर, ये जो लगातार आप अवार्ड लिए जा रहे हैं, इन सब का श्रेय आप किसको देते हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मुझे तकरीबन 25 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ HRD से भी एप्रिसिएशन मिल चुके हैं, और ये मैं 3 चीज़ों को इसके लिए मानता हूँ जिम्मेदार। एक, मैं स्वयं को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। दूसरे, मेरे गुरु महाराज, जिनका मेरे ऊपर पूरा हमेशा आशीर्वाद रहता है। और तीसरा, मेरा जो स्टाफ है जो मेरे हिसाब से काम करता है, क्योंकि अगर गुरु का आशीर्वाद रहता है तो आपके अंदर एक डबल शक्ति आ जाती है काम करने की, बिकॉज उसके हिसाब से आपको विश्वास बढ़ जाता है। दूसरा, मेरे अंदर जुनून रहता है कि मैं कुछ संस्था के लिए कुछ अलग करूं ताकि संस्था का नाम हो और मेरी संस्था को लोग देश विदेश में जाएं। तो इससे पहले भी आप कई बार विदेशों में भी अवार्ड लेने गए हैं, अगर बात करें नेपाल की और अन्य देशों की, तो क्या अनुभव रहा है जी आपको? मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, मेरे स्कूल का और मेरी संस्था का नाम होना चाहिए, क्योंकि संस्था जो हमारी है उसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अब पूरे विश्व भर में शांति फैलाए और हमारे जो गुरुजी है, गुरु महाराज परम पूज्य भैया जी, जिनका सूर्य जी महाराज के नाम से उन्हें जाना जाता है, वो भी देश विदेश में TV के माध्यम से भी और खुद भी आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, और मेरा काम है शिक्षा में अध्यात्म को डालना ताकि हम एक अच्छे ह्यूमन बींग्स पैदा कर सकें। सर, शिक्षा में आध्यात्मिक का जुड़ा होना कितनी बड़ी एक पावर आप कह सकते हैं? ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षकों को, माता पिता को उस योग्य बनना चाहिए, हमारे अंदर वो संस्कार होने चाहिए, हमारा वो करेक्टर होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी आपको फॉलो करेंगे। आज आप बच्चे को डंडे के जोर पे फॉलो नहीं करवा सकते। सर, आजकल का जो युवा है वो
जो उनके पेरेंट्स हैं उनको बढ़ावा देते हैं कि भाई हमारा लाडला है, लड़कियों को कम बढ़ावा देते हैं, जबकि देखा गया है कि लड़कियां हमेशा अव्वल आती हैं, चाहे घर के कामों हो या बाहर हो या एजुकेशन हो या माँ बाप की सेवा हो। और इसके विपरीत युवा जो हैं आजकल वो गलत भटक रहे हैं या कहीं करें क्राइम या कई चीज़ों में वो हो जाता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके लिए जो आप कह रहे हो लड़कियों के प्रति माता पिता के अंदर अब बहुत फर्क आया है, पहले वाली बात मेरे ख्याल से अब नहीं है, क्योंकि उस समय वो जरूरी था। उस समय जो लड़कियां थी वो केवल घर तक सीमित होती थी, शिक्षा नहीं थी, शिक्षा केवल सरकारी स्कूल होते थे, लिमिटेड ही शिक्षा होती थी, और दो तरह की नौकरियां थी, टीचर्स जो लड़कियों के लिए केवल टीचिंग का एक प्रोफेशन था। लेकिन आज तो बहुगामी हमारे पास साधन है, लड़कियां कहीं पर भी जॉब कर सकती हैं। और जो आपने जो दूसरी बात कही है कि जो लड़का जो युवा है हमारा भटका हुआ, युवाओं के भटकाव का जो मैं जो मुख्य कारण मानता हूँ वो है इंटरनेट। बच्चे जो आजकल हैं वो एजुकेशन में ज़्यादातर अपने परिवार और फैमिली को कम टाइम देते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसमें आपकी बात दूसरे तरीके से लूँगा कि बच्चे टाइम कम नहीं देते, पेरेंट्स बच्चों को कम कम टाइम देते हैं, और ये वाइस वर्सा है। क्योंकि पहले अगर आप देखो, इसमें मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा कि आप अगर आप पहले देखो तो पहले हम सब लोग ज्वाइंट परिवारों में रहते थे, वहाँ पर चाचा चाची बुआ ताई ताऊ दादा दादी ये सारे रहते थे, तो उस समय आप बच्चे के लिए भी समय होता था, पेरेंट्स के पास भी, और बच्चा भी सबके साथ घुल मिल के रहता था। एज ए रिजल्ट बच्चे को समाज और परिवार के बारे में पता होता था कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। आज न्यूक्लियर परिवार है, पति पत्नी होते हैं, उनका एक या दो बच्चा होता है, वो ज़्यादातर बाहर जॉब पे होते हैं, तो उस समय में बच्चा क्या कर रहा है, या तो बच्चा किसी मेड के पास रहेगा या बच्चा फ्रेंड सर्कल में रहेगा। और आजकल तो एक और फ्रेंड सर्कल बन गया है, वो नेट से जुड़ा रहता है, और वो बाकी समाज परिवार से वो कट जाता है, और यही एक दुर्भाग्य है। इसी वजह से हमारे जो वैल्यूज का इश्तोक्स का वो हमारा हनन हो रहा है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? मैं युवा पीढ़ी को सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता और केवल माता पिता ही हैं आपके, जो आपका आपके सच्चे शुभचिंतक हैं, उनसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। अगर हम माता पिता की इज्जत करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो बाकी उसके बाद ही परिवार और समाज की सेवा स्वतः कर सकते हैं, क्योंकि सेवा भाव हमें माता पिता की सेवा करने से आएगा। मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को कभी ना छोड़ें, अपने माता पिता की सेवा करें, और जितना हो सके उनके साथ रहें।